जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब से ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइवर वैकेंसी की। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन फॉर्म है और ऑल इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी की गई है और इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपकी 8th या 10th पास है, प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी टोटल पोस्टें हैं वो 163 पोस्टें जारी की गई हैं। तो दोस्तों, आगे हम आपको वीडियो में इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे और एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा या आप इसे कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम आगे आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नई नई वैकेंसीज की डिटेल लेकर आते रहें। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपका वाहन चालक, परिवर्तन चालक और डिस्पैच राइडर की इसमें आपको टोटल 164 पोस्टें जारी की गई हैं। तो दोस्तों, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की स्टार्ट डेट है वो 27/8/2021 है और इसकी जो आपकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 10/10/2021 है और इसके लिए आप जो शुल्क है इसका वो आप 12/10/2021 तक भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसका अनुमानित समय 2021 है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसकी वैकेंसीज़ की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो आपकी वाहन चालक या ड्राइवर की वैकेंसी है वो आपको टोटल 161 दी गई है। तो दोस्तों, आप यहां पर इसका प्रॉपर चार्ट देख सकते हैं और यहां से अपनी वैकेंसी चेक कर सकते हैं कि इसमें एससी एसटी या ओबीसी के लिए कितनी कितनी पोस्टें दी गई हैं, वो आपको यहां पर इस चार्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये आपको इसमें जो है टोटल 13 पोस्टें, जो 13 आपके विभाग हैं उसमें पोस्टें जारी की गई हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका टोटल इसमें 19 आपकी विभाग में पोस्टें जारी की गई हैं, तो इसमें टोटल आपके 161 पोस्टें जारी की गई हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपका वेतनमान रहेगा या सैलरी रहेगी वो 21,700 से 69,100 रुपये तक रहेगी और इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 42 वर्ष तक दी गई है। तो दोस्तों, इसके लिए जो आपकी शैक्षणिक अर्हता या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपकी 8th पास होनी चाहिए और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो 5 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है परिवर्तन चालक की, उसमें आपको टोटल 2 पोस्टें दी गई हैं, कैटेगरी इसमें आपको दी गई है, यहाँ पर आप इसका प्रॉपर चार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 21,700 से 69,100 रुपये तक रहेगी और इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 42 वर्ष तक दी गई है। तो दोस्तों, इसमें भी आपकी जो है 8th पास होनी चाहिए और जो आपका लाइसेंस है वो 3 साल से अधिक पुराना होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है डिस्पैच राइडर की, तो ये आपको टोटल 1 पोस्ट दी गई है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 21,700 से 69,100 रुपये तक रहेगी और इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक दी गई है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपकी हाई स्कूल 10th पास होनी चाहिए और आपके पास हल्के और भारी यानों को चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो 25 अंकों की होगी और 75 अंकों की आपकी ड्राइविंग परीक्षा होगी, तो ये आपकी टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी 25 अंकों की परीक्षा है वो 1 घंटे की होगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी, आप इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2021 तक की जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद आपको इसमें और भी कई जानकारियां दी गई हैं जो आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें जो आपकी फ़ीस रहेगी वो क्या रहेगी, तो उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका जो आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक रहेगा वो है www.ssc.uk.gov.in के माध्यम से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो इसमें जो आपकी जनरल कैटेगरीज हैं, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसकी आपको 300 रुपये शुल्क पे करना पड़ेगा और जो उत्तराखंड की अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए इसमें आपको 150 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी और उसके बाद आप अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छी तरह से रीड कर लें, उसी के बाद जो है अपने फॉर्म के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।